जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के 8 प्रसाद के बारे में बताएंगे जो हनुमान जी को अति प्रिय है। पहला प्रसाद हनुमान जी को प्रिय है, पान का प्रसाद। अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को प्रिय है नारियल। लेकिन दोस्तों, इस एक बात का ध्यान रखें, अक्सर हम ये करते हैं कि नारियल तोड़ते हैं, खोपड़ी हनुमान जी के मंदिर में छोड़ देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित करना चाहिए, फोड़कर नहीं। नारियल सीधा समर्पित करने से हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर पर रक्षक बनकर कृपा बरसाते हैं। तीसरा प्रसाद गुड़ और चने का प्रसाद है। इसका प्रसाद अगर कोई साधक हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन लगाता है तो घर में कितना भी भयंकर क्लेश लड़ाई मची हो, गुड़ और चने के प्रसाद से लड़ाई क्लेश शांत हो जाती है। चौथा प्रसाद हनुमान जी को जो प्रिय है वो है इमरती। इमरती का प्रसाद चढ़ाने से अगर किसी देव की कृपा नहीं होती है तो हनुमान जी उस देव की कृपा करवा देते हैं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्वसुख करई। पांचवा प्रसाद जो हनुमान जी को प्रिय है वो है चूरमा के लड्डू। चूरमा के लड्डू हनुमान जी को ये बड़े प्रिय है। अगर किसी का मन शांत ना रहता हो या बालक गुमसुम रहता हो, बालक बालिका उदास रहती हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, तो चूरमा के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाकर सीता राम का कीर्तन करके बालक अथवा बालिका को खिला दीजिए, वो बालक और बालिका प्रसन्नचित्त हो जाएगी। छठा प्रसाद हनुमान जी को जो प्रिय है वो है केसर का भात। केसर डाले हुए और पवित्र भाव से केसर डालकर बनाए हुए चावल का प्रसाद जो भी साधक हनुमान जी को लगाता है तो उस व्यक्ति की कुंडली में जो भी मंगल दोष होता है वो मंगल दोष मिट जाता है। सातवां प्रसाद हनुमान जी महाराज को जो प्रिय है वो है फल, और फल में भी केला और सेब। ऐसा प्रसाद चढ़ाने से हनुमान जी श्री राम की भक्ति का प्रतिफल उस भक्त को दे देते हैं। दोस्तों, आठवां प्रसाद हम आपको बताएं, उसके पहले मेरा उन सभी सनातनी भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आठवां प्रसाद जो हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय है वो है खीर। ऐसा प्रसाद बजरंगबली को चढ़ाने से उस भक्त के घर की दरिद्रता और अलक्ष्मी भाग जाती है और घर में संपन्नता और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। तो ये 8 प्रसाद हमारे आपके बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। यूं तो भगवान को चढ़ाई गई छोटी से छोटी चीज अगर भाव से चढ़ाई जाए तो भगवान के लिए पर्याप्त है, फिर भी अपनी यथाशक्ति अनुसार जो हम भक्तों से हो सकता है वो हम हमारे प्रभु के लिए चढ़ा सकते हैं। आखिर देने वाले भी तो वही है, तो मन में तेरा तुझको अर्पण ये भाव रखें और अपनी यथाशक्ति अनुसार बजरंगबली को ये प्रसाद चढ़ाएं। प्रभु श्री राम और बजरंगबली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।